इंडिया के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन शेखर धवन ने अपने फॉर्मर साथी कप्तान रोहित शर्मा उनकी बड़े खुलकर तारीफ़ किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ ठीक ठाक किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप्स की हुई हैं और शेखर धवन ये कहते हैं कि रोहित शर्मा जैसा दूसरा कोई कप्तान नहीं है, वो मतलब अपने आप में ना एक ही जिसे कहते हैं ना यूनिक किस्म का कप्तान है। और रोहित शर्मा के जब वो वर्ल्ड T20 जीते हैं तो एज़ पर शेखर धवन आई फेल्ट रियली प्राउड के रोहित शर्मा के अंडर इंडिया की क्रिकेट टीम वो वर्ल्ड T20 जीती, क्योंकि रोहित ने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ का आदमी है, उसके साथ खेलने में मज़ा आता है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि शेखर धवन U19 और उसे नीचे की जो क्रिकेट होती है उसमें रोहित शर्मा के हीरो थे। यस, रोहित शर्मा यूज़ टू आइडलाइज शेखर धवन। वो कोई एक टूर्नामेंट हुआ था, कोई सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें रोहित शर्मा का जब नाम आया था U19 टाइम की कोई बात है, तो रोहित शर्मा ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि शेखर धवन की सिलेक्शन हुई है या नहीं, क्योंकि शेखर धवन के साथ रोहित शर्मा को खेलना था। और दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेले थे। और अगर आपको याद हो, शेखर धवन का स्टाइल जब वो U19 क्रिकेट और उस टाइम वो जो टेन्योर है या टायर है क्रिकेट का वो जब खेला करते थे तो उनका स्टांस बड़ा डिफरेंट किस्म का था। शेखर धवन ने अपने स्टांस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, दो के एक झलक उनको आपको नज़र आती है उनके उस वाले स्टांस की U19 वाले, लेकिन वो शेखर धवन ने काफ़ी हद तक चेंज किया था। ये जो ऑफ स्पिनर को निकल कर कवर्स के ऊपर से जो शेखर धवन एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिक किस्म की शॉट अपनी एग्जीक्यूट किया करते थे वो उनके U19 में भी थी। और U19 में तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से खेला करते थे ना, मतलब किधर पैर इस तरफ जा रहे हैं, बैट उस तरफ है, एंड शेखर धवन यूज़ टू कनेक्ट द बॉल, मतलब मिडल ऑफ द बैट खेला करते थे। वो बहुत अजीब सी शॉट थी शेखर धवन की। मैंने किसी को इतना बैट और पैड के साथ गैप क्रिएट करके इस तरह की शॉट मारते हुए नहीं देखा शेखर धवन। वो हर बंदे का एक यूनिक स्टाइल होता है ना, तो वो शेखर धवन के अंदर ये एक यूनिक शॉट थी। जैसे MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट वो लेकर आए क्रिकेट के अंदर, उन्होंने टेनिस क्रिकेट में सीखी थी वो, फिर उसको लेकर आए तो उन्होंने वो हिसाब किताब बनाया। AB डिविलियर्स वो अपने हिसाब की इम्प्रोवाइजेशन करते थे, तिलक स्कूप तिलकर रत्न दिलशन की याद है। तो हर बंदे का ना, हर क्रिकेटर का अपना एक हिसाब किताब होता है, तो शेखर धवन का वो था। तो फिर उसके बाद वो शेखर धवन ने और रोहित शर्मा ने एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलनी शुरू की, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों के दरमियान दोस्ती भी ठीक ठाक बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं बड़े कंफर्टेबल थे, रूम शूम भी शेयर होते रहे अलॉट, मतलब जिसे कहते हैं ना दोस्ती मज़ीद गहरी से गहरी होती चली गई। और फिर शेखर धवन ने इवेंचुअली जब क्रिकेट से रिटायरमेंट ली तो रोहित शर्मा ने उनको एक जिसे कहते हैं ना फेयरवेल दिया, मतलब इन अवे नोट की सूरत में, और उससे भी पता चल जाता था वो नोट पढ़ के कि रोहित शर्मा के लिए शेखर धवन कितने मानी रखते हैं उनकी लाइफ में। शेखर धवन का शायद वो थोड़ा सा और खेल जाते हैं, लेकिन आपको पता है शेखर धवन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़, उनकी वाइफ के कारनामे और वो सब कुछ जो उन्होंने फेस किया, फिर उसके बाद वो उस डार्कनेस से तो निकल आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि शेखर धवन फिर जो उनके एंडिंग के जो ईयर्स हैं ना 1-2 उसमें फिर वो क्या करते थे, वो सिर्फ IPL to IPL खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट वो नहीं खेल रहे थे, किसी भी और किस्म की क्रिकेट शेखर धवन बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, IPL to IPL वो खेलते थे। तो अब आप सोचे ना, आपने साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट खेलना हो, पूरा बाकी पूरा साल आप वेले हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे, तो वो फिर यू लॉस्ट योर टच। ये होता है, ये जिसे कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ ये होता है, किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट के साथ ये होता है कि जब वो ज़्यादा अरसा अपनी गेम नहीं खेल पाता तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। और शेखर धवन भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए थे, और यही वजह है कि उन्होंने फिर चुप करके ना साइड मार ली, क्योंकि उनको पता लग गया था कि यार अब मेरे लिए कम बैक करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, प्लस एज फैक्टर भी है, सारा कुछ है। तो फिर इवेंचुअली उन्होंने, शेखर धवन ने ना काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा नहीं भैया, बूट हैंग करते हैं, निकलते हैं, कुछ और ज़िंदगी में करते हैं, तो फिर वो चुप करके साइड मार गए। वरना अगर शेखर धवन थोड़ा सा ज़रा फॉर्म शॉम उनकी बरकरार रहती तो मे भी कुछ एका दुका ईयर्स और वो खेल जाते, यू नेवर नो, शायद ज़्यादा भी खेल जाते, क्योंकि फिटनेस शिटनेस के मामलात और बाकी चीज़ें उनकी कोई इतनी बुरी कभी रही नहीं। मतलब ठीक है 19-20 की इंजरी उनकी चलती रही है, लेकिन वो फिट जिसे कहते हैं ना इंजरी प्रोन एज सच नहीं थे, बट ही वॉज अ फैंटास्टिक ओपनिंग बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है। और
रोहित शर्मा के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, दोस्ती यारी है, भाईचारा है, वो भी मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार टीम में खेलने वाले एक दूसरे के अगर सगे भाई ना सही तो मुंह बोले भाई बन सकते हैं अगर आपके दिल साफ हों। ये दीवार से इस तरफ वालों को ना, जिसे कहते हैं कि एक सबक भी है इस रिलेशनशिप में, इस दोस्ती में, इस भाईचारे में, कि आप भी थोड़ा इस तरह का कर सकते हैं। बस आपको अपना दिल साफ रखना है, आपको अपनी नीयत साफ रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस